दोस्तों जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। जुलाई के महीने के अगर आपने सरकारी नौकरी के फॉर्म नहीं भरे हैं तो बिल्कुल पूरा वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बताने वाले जो हमारे भाई बहन पांचवी आठवीं दसवीं भी पास है उनके लिए भी सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है। तो आज हम बताएंगे किस पदों पर कितनी कितनी जो है सरकारी भर्तियां निकली हुई है। हमारे जो है भाई बहन जो पांचवी आठवीं दसवीं पास है उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं सरकारी नौकरी के 7 फॉर्म जो आप जरूर से जरूर फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे हम बताने वाले हैं कौन कौन सी भर्तियां निकली हैं। तो दोस्तों बताना चाहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में भर्ती निकली है जीडीएस की, फिर से जो है फॉर्म भर सकते हैं हमारे बिहार के जितने भी भाई बहन हैं। उत्तराखंड में भी पटवारी और जेल गार्ड की भर्ती निकली है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो उत्तर प्रदेश में तमाम बहनों के लिए बहुत ही जो है 53,000 पदों पर भर्तियां निकली, जिसमें आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी सहायिका, हेल्पर की तमाम पदों पर भर्तियां निकली है सभी जिलों में। तो आपको बताना चाहते हैं फॉर्म जरूर भरें। और मध्य प्रदेश में भी जो है यहाँ पे जो है डीएसपी जो है रेडियो और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकली है, जिसमें पांचवी पास मांगा गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, वहां पे भी जो है ये फॉर्म भर सकते हैं एलसीडी, और यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की तमाम पदों पर भर्ती निकली। दोस्तों हम चलते हैं, सबसे पहले जो भर्ती भरनी है वो है कि आपकी इंडियन पोस्ट ऑफिस में ये भर्ती निकली है, वो आप जरूर से जरूर फिल करें। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि हम आपको सीधा ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके आए हैं। ऑफिशियली वेबसाइट पे दोस्तों आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और कैसे फॉर्म भरना है वो सब आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भर्ती निकली है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बिहार में दोस्तों देखिए दोस्तों ये बिहार में जो है ये भर्ती निकली। देखिए यहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है, ये कर्सर जो है ये यहाँ पे देख रहा है, बिहार रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड हो गई है 30 जून से 14 जुलाई तक आपको ये फॉर्म भर लेना है। तो दोस्तों ये फॉर्म आप लोग जरूर जोर से जरूर भरे। कैसे फॉर्म भरना है तो दोस्तों देख सकते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस में ये जो है भर्ती निकली है, जिसमें जीडीएस का ऑनलाइन फॉर्म जो है ओपन हो चुका है। हमारे बिहार के जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए फॉर्म निकला है, तो आप लोग ये फॉर्म जरूर भरें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहाँ पे बताया गया है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ये भी देखिए यहाँ पे निकला बिहार सर्कल के लिए ये आया है। दोस्तों देखिए जो पहले फॉर्म ओपन हुआ था वो देखिए यहाँ पे 27 जो है अप्रैल से मई तक के खुला था, लेकिन अब देखिए जून से ये 14 जुलाई तक फिर से ओपन कर दिया गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में तो ये देखिए ये हेल्पलाइन नंबर है और ये ईमेल आईडी पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर पेमेंट जमा करना पड़ेगा, फिर आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस पेमेंट और फिर आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आपको ये फॉर्म देखिए ओपन हो गया है, और इस फॉर्म में आपको देखिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आपको रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप जो है ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल है दोस्तों, आप लोग बस देखिए यहाँ पे अपनी जो है बेसिक जानकारी यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है अपना जो है सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, कैंडिडेट नेम, फिर यहाँ पे फादर नेम, फिर मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करेंगे आप। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सारी जानकारी हम यहाँ पे आपको फिल करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्म को फिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने डाला राहुल कुमार जो है यहाँ पे सिंह, और ये फॉर्म हम आपके सामने ही भर रहे हैं। फादर नेम देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है फादर नेम है राजेश कुमार सिंह, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दोस्तों हम यहाँ पे भर देते हैं। तो ये मोबाइल नंबर जो है आप अपना डालिए, क्योंकि ओटीपी यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है दोस्तों, ओटीपी आपका आएगा, तो इसलिए आप लोग फॉर्म जो है बिल्कुल भरते समय नंबर बिल्कुल सही से सही आप भरना है आपको। तो ठीक है, ओटीपी के लिए हम यहाँ पे अपना ये फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं, जिसमें आपका ये आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे तमाम ये अब जो है जानकारी ली जाएगी। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं फॉर्म के लिए। हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे डाल रहे हैं, तो आप लोग भी जो है अपना सही नंबर डालिएगा। ठीक है, और फिर आधार नंबर जरूरत नहीं है, नहीं डालना है तब भी आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी भर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ईमेल आईडी हमने भर दिया है, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ से देखिए आपको फिल करना है। तो यहाँ पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ से हो गया, और फिर यहाँ पे
किस कम्युनिटी से हैं तो वो आपको यहाँ पे करना है। और इसके बाद आपको आप क्या जो है इकोनॉमिक सेक्शन भी करें, तो अगर है तो यस कर दीजिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप यहाँ पे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो वो भी यहाँ पे बता दीजिएगा। और इसके बाद ही आप देखिए किस से आपने देखिए यहाँ पे देखो ये है कि जो सर्कल जो 10 है आपने किस से पास किया है। तो अगर आपने किसी भी राज्य से हैं तो वहाँ से आप भर सकते हैं, जैसे कि मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार लिख दूंगा। और फिर इसके बाद क्लास 10 जो हमने कब पास किया था, मैंने 2005 में पास किया है, तो वो हम यहाँ पे कर देंगे। और इसमें जो है राइड, जो कि राइड ऑफ बाइक साइकिल, तो यस कर दीजिए। आप गैस साइकिल चला सकते हैं तो यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप एम्प्लॉय हैं तो वो भी कर दीजिएगा, अगर हैं तो नहीं है वो सब आप यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो कैप्चा कोड है ना, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल दीजिए, G34H, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप करने के बाद आप ये जो है पूरा यहाँ से कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप ये चेक बॉक्स यहाँ पे हैं, इसको आप चेक मार के सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से आपका डिपार्टमेंट ऑफ द पोस्ट जो है, इस तरह से देखिए यहाँ से फॉर्म फिल हो गया है। देखिए यहाँ से देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक एंगेजमेंट के लिए आपका देखिए ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और मेरा देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मिल चुका है, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आगे काम देगा। तो इस तरह से आप जो है अपना जो है ये प्रिंट कर लीजिएगा फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि आप जो है यहाँ पे इंडियन पोस्ट में जो है ग्रामीण डाक सेवक के लिए यहाँ पे भर्ती निकले हैं बिहार के लिए, तो आप ये फॉर्म जरूर भर लीजिए। 17 जो है 14 जुलाई से पहले आपको फॉर्म अपना भर लेना है, ठीक है दोस्तों। ये भर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं दूसरा जो फॉर्म है यहाँ पे, जो भर्ती का फॉर्म है वो देखिए, जो जुलाई महीने की सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म है वो है आपका यहाँ पे उत्तराखंड में पटवारी और जेल गार्ड का फॉर्म आया है, वो आप जरूर से जरूर भरे। तो चलिए वो फॉर्म हम आपको भर के दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में दोस्तों देखिये यहाँ पे समूह के अंतर्गत जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिये समूह के अंतर्गत पदनाम जेल बंदी रक्षक पुरुष महिला के पदों की सीधी भर्ती का विज्ञापन है। और दूसरा इसी में देखिये आपका जो है समूह के अंतर्गत जो है राजस्व उपनिरीक्षक यानी पटवारी लेखपाल की भी भर्ती निकली हुई है, तो आपको ये वाला भी फॉर्म भर लेना है। तो दोस्तों देखिए फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो हम आपको ये बंदी रक्षक वाला हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन ये आपका ओपन हो गया है। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे देख तो देख सकते हैं ये पूरा जो है खुल गया है, ठीक है, ऑफिशियल है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ये जो है भर्तियां निकाली गई हैं। और ये भर्तियां दोस्तों आप देख सकते हैं फॉर्म आपको भरना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आवेदन जो तिथि कर दी गई 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया और 14 अगस्त तक के आवेदन करने की अंतिम तिथि है, ठीक है। नेट बैंकिंग से पैसा जो इसकी फीस डिपॉजिट करने की वो 16 अगस्त तक आपको ये जमा कर देना है, ठीक है। इस तरह से आप ये फॉर्म जरूर से जरूर भरें दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉर्म है, कुल पद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 पदों पर निकाली गई हैं भर्तियां, जिसमें पुरुष बंदी रक्षक हैं कारागार विभाग, जिसमें हम जेल गार्ड कह सकते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हम नीचे दे देंगे, तो आप डायरेक्टली वहां से भी आप जो है ये जो है कर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। वहां से आप डायरेक्टली जो है ये जो है आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसका ऑनलाइन जो है आज से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे महिला के लिए देख दोस्तों देख सकते हैं महिलाओं में जो है कुल पद जो है दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 13 पदों पर निकाली गई है बंदी रक्षक महिला में लिए, ठीक है। तो ये भर्ती महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी हैं, इनको भर जरूर दीजिएगा। जिसमें आयु सीमा की अगर हम बात करें तो देखिए 21 से 35 वर्ष आपका लिया गया है, जिसमें वेतननामा 19,000 से 63,000 लेवल 2 के यहाँ पे पदों पर ये है गेट जो है आपको यहाँ पे
जो है वेतननामा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों, पूरी जानकारी नीचे मिल गई है, तो आप लोग जरूर से जरूर यहाँ पे ये जानकारी भर दीजिए। मैंने नीचे जो है इसका कमेंट सेक्शन में मैंने आपको दे रखा है, ठीक है दोस्तों, तो वहां से जरूर भर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट आपको भर्ती बताते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में है, वहां पे देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर्स तीनों की भर्ती निकली, तो वो आप देखिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने आपको सीधा हम वेबसाइट पे लेके आए हैं दोस्तों, ये वेबसाइट है नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसका दोस्तों हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया हुआ है, तो वहां से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाए, जिससे कि आपको इसी तरह के सरकारी नौकरी के फॉर्म मिलते रहें। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 27 जून से स्टार्ट हो गई थी 10 बजे सुबह से, और लास्ट डेट देखिए यहां पे दोस्तों 31 जुलाई है। दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं 31 जुलाई से पहले आपको ये फॉर्म भर देना है, तो लास्ट दिन का इंतजार नहीं करना है, आपको फॉर्म भर देना। तो दोस्तों देखिए इस तरह से आप आएंगे और नीचे यहाँ पे आई एग्री करेंगे और यहाँ से स्टार्ट फॉर्म आप अपना भर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एग्री करते हैं और स्टार्ट फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है फॉर्म, और ये फॉर्म हम भरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये देखिए ये फॉर्म यहाँ से ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना है, दिल्ली में ये भर्तियाँ निकली हुई हैं। तो दोस्तों ये फॉर्म आप लोग जरूर भरें, इसका भी लिंक हमने नीचे दे रखा है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कितने किन किन पदों पर आप भर्तियाँ करना चाहते हैं, किस पे लेना, तो वो यहाँ पे है लोअर डिवीजन क्लर्क। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क पे है, और दोस्तों यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क है, जूनियर है, अपर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरियन है ना, इसी तरह से तमाम पदों पर यहाँ पे भर्ती निकली, देख सकते हो लोअर डिवीजन क्लर्क है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप इन तमाम पदों पर भर्तियों के फॉर्म भर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए हम यहाँ पे भर्ती करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपना नाम फिल करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं राहुल कुमार सिंह मेरा नाम है, और फिर मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डालेंगे अपना। तो दोस्तों आप लोग भी अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा और फिर कंफर्म कर दीजिएगा। इसी तरह देख सकते हैं 8565 जो है 43345 दोस्तों, देखिए 3 3 2 2 4, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालिएगा rahul.kumar98@gmail.com, ठीक है। इसी तरह से आप अपना ईमेल आईडी कंफर्म कर दीजिएगा rahul.kumar98@gmail.com। इस तरह से आप जब ये फॉर्म भर देंगे तो नीचे ये कैप्चा कोड है, ये आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप अपना फॉर्म भर के जो है सबमिट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट है, तो ये सबमिट करना है यहाँ पे आपको अपना फॉर्म, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये सबमिट हो रहा है। तो दोस्तों ये देखिए आपका जो है यहाँ से जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको मिल गया है, देख सकते हैं दोस्तों, ये है ऑफिशियल आपका जो है आ गया है एप्लीकेशन नंबर, जो कि हमने अभी आपके सामने फॉर्म फिल किया है उसमें आपको देखिए ये हमें मिल गया है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। बस इसके साथ आपको फिर आगे बढ़ना है, क्लोज करना है, फिर आप देखिए यहाँ पे अपनी बेसिक जानकारी हमने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। तो अब इसके साथ आपको आगे फॉर्म और भी इसमें फिलअप करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्म था, अब नेक्स्ट फॉर्म भरने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है निकली है डीएसपी रेडियो और कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती का फॉर्म निकला है, वो भी आप लोग जरूर से जरूर भरें, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं कौन सी भर्ती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे मध्य प्रदेश जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम यहाँ पे हैं, और इसी के नीचे देखिए यहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं निकला हुआ है, लिखा हुआ है क्या है, रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर डीएसपी रेडियो डीएसपी कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जामिनेशन 2021। तो यहाँ पे आपको ये क्लिक करके जो है ये नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड करके आप पूरी जानकारी यहाँ पे जो है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये पूरी जानकारी आपको पढ़नी है, पूरी जानकारी पढ़ने के बाद फिर आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन
करना होगा, तो इसका भी लिंक हमने नीचे लिंक शेयर कर रखा है, तो वहां से कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ये अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप आ गए हैं तो अब यहाँ से आपको ये सारा फॉर्म आपको भरना होगा, ठीक है। बहुत ही इजीली फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन आवेदन है दोस्तों। तो ये सरकारी भर्ती के आप लोग फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि जुलाई महीने की ये भर्ती के फॉर्म आप लोग भरना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई फॉर्म प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके जो बता दीजिए, हम आपको हेल्प करके बता देंगे फॉर्म कैसे आपको भरना है। बट दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल के साथ जुड़ जाए, क्योंकि ये फॉर्म आप लोग जरूर से जरूर भरें। सरकारी नौकरी की भर्ती का अगर सपना देखते हैं तो फॉर्म आप लोग जरूर से भरते हैं। जय हिंद दोस्तों।